रायपुर राजधानी के कोटा रोड स्थित सुयश हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा मचा दिया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक कर इलाज के नाम पर पैसा ऐंठने का आरोप लगाया है। पैसे नहीं देने पर इलाज रोक दिया गया, जबकि मरीज को ESI के तहत भर्ती किया गया था। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस पहुंच गई। मरीज के परिजन रुपेंद्र कुमार ने बताया कि अपने चाचा मुन्ना लाल साहू निवासी दांदेकला को टीवी शुगर सीने में दर्द से पीड़ित होने की वजह से मैं काहरा से सुयश हॉस्पिटल लाया गया, जहां पहले ESI में इलाज करने की बात कही गई थी। भर्ती करते ही 4,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। परिजनों के पूछे जाने पर ESI में इलाज नहीं करने की बात कही और लगातार डिस्चार्ज करने के लिए पैसा मांगने लगे। फिलहाल मरीज ICU में है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर नितिन गोयल ने कहा कि हमारे स्टाफ से कंफ्यूजन हुई है, इसी कारण यह समस्या सामने आई है। फिलहाल मामले को सेटल कर दिया गया है, मरीज का इलाज जारी है। जो परिजनों से पैसा लिया गया है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो प्रशासन देख रही है वो अभी हाल में ही दूसरे राज्य से आए हैं, उनको इनकी जानकारी नहीं है, इसी कारण यह कंफ्यूजन हुआ है। डायरेक्टर से पूछा कि जब प्रबंधक को जानकारी ही नहीं है तो उसे इस पद पर क्यों बिठाया गया है। इस सवाल का डायरेक्टर ने जवाब नहीं दिया। अस्पताल परिसर में पुलिस की ओर मीडिया पहुंचने के बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। मरीज के परिजनों को पैसा लौटा दिए गए हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।